गैस कटर से एटीएम काटने वाले ये नए जमाने के चोर हैं, जो आपके पॉकेट से पैसा नहीं उड़ाएंगे। आपके पॉकेट में जिस एटीएम से पैसा आएगा उस एटीएम को ही उड़ा देंगे। तैयारी ऐसी कि देखते रह जाएंगे। गैस कटर लेकर आते हैं और आराम से एटीएम काट कर पैसों पर हाथ साफ कर देते हैं। 1-2 लाख नहीं 24,59,000 के नोट को लेकर चंपत हो जाते हैं। वीडियो में देखिए कि कैसे पहले दो चोर एटीएम के अंदर घुसते हैं, एटीएम में मौजूद कुछ तारों को काट देते हैं। दो चोर बाहर पहरेदारी में लगे रहते हैं और फिर दो चोर करने लगते हैं गैस कटर से एटीएम की कटाई, और 2 मिनट के अंदर एटीएम कट जाता है और 24,59,000 लेकर चंपत हो जाते हैं। एसबीआई का ये एटीएम था जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। ये घटना बुधवार की देर रात की बताई जा रही है। सुबह जब ग्राहक एटीएम से पैसा निकालने के लिए पहुंचे तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। एसबीआई के मैनेजर की माने तो 10 मिनट के अंदर ही एटीएम को काट कर चोर पैसे लेकर चंपत हो गए। रात में हम लोग को पता चला इस सर्विलांस के थ्रू जो कैमरा लगा हुआ है, कुछ चोर ने अटेम्प्ट किया है यहाँ पे, चोरी का प्रयास कर रहा है। उसी समय हम लोग ने थाना को कांटेक्ट करने की कोशिश किया, कोशिश नहीं हो पाया कांटेक्ट। फिर हम लोग ने सासाराम में कुछ बात किया, सर वहाँ पे चोरी हो रहा है, हम लोग भी कुछ अल्टरनेट अरेंज कर रहे हैं और आप लोग भी जरा देख लिए। फिर वहाँ से लोग आए तब तक यहाँ पे गैस कटर से काट कर एटीएम को उसके जो बॉक्स होते हैं वो बॉक्स को लेकर चले गए। ये 10 मिनट में कम्प्लीट कर लिया गया। ये भी कहा जा रहा है कि अलार्म भी बजा था जब चोरों ने तार काटे थे एटीएम, लेकिन गश्ती पर मौजूद पुलिस की कोई भी टीम मौके पर नहीं पहुंची। मैनेजर की बातों से ये तो साफ है कि पुलिस से चोरी के दौरान भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन समय पर संपर्क नहीं हो पाया। रोहतास के चोरी के इस वीडियो की चर्चा हर तरफ है। पुलिस ने SIT गठन कर इस मामले की जाँच शुरू कर दी है, लेकिन ये बड़ी बात है कि सरेआम बाजार में मौजूद एटीएम को अगर चोर उड़ा ले जाएंगे तो फिर भला शहर में सुरक्षित क्या है। रोहतास से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।